News 18, India. एक वीडियो यमन से आया है और एक वीडियो अमेरिका के सीक्रेट एयरबेस से आया है। दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों तरफ मौत बरसाने का सामान इकट्ठा हो चुका है। इन दोनों में पहले यमन से आए हूथी विद्रोहियों के वीडियो को देख लीजिए। वो इस फायर पावर से अमेरिका और इसराइल दोनों को डराना चाहता है, लेकिन इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और इसराइल का फोकस ईरान बन चुका है। बाइडन की सेंट्रल कमांड एक्टिव हो चुकी है। सीक्रेट एयरबेस से लगातार रात में उड़ान भरी जा रही है। ये बात साफ है कि इराक और सीरिया के बाद अब अमेरिका का टारगेट नंबर 3 ईरान है। लेकिन ईरान पर अटैक कब होगा, कैसे होगा, हमला कितना खतरनाक होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। ये रात में टेक ऑफ करने वाला विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज वाला बम वर्षक है। नाम है B-1 बॉम्बर। सीरिया और इराक पर बमबारी के लिए कितने बॉम्बर, कितने फाइटर जेट शामिल हुए, ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन मिशन खत्म होने के बाद ये बात जाहिर कर दी गई कि अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर 85 टारगेट पर हमला किया। ये हमले 7 लोकेशन पर किए गए, सीरिया में 4 जगह और इराक में 3 ठिकानों पर बमबारी हुई। 125 से ज्यादा ऐसे बम दागे गए जिन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर बहुत बड़ा धमाका किया। लेकिन इनकी उड़ान लगातार जारी है और यही इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा डर है कि अगर B-1 बॉम्बर का रुख तेहरान की तरफ कर दिया गया तो क्या होगा। इराक में गुस्सा कैसे उबल रहा है, उसकी तस्वीरें अमेरिका को परेशान जरूर करेंगी। बगदाद में उन लोगों के जनाजे के साथ प्रदर्शन हुआ जो अमेरिका की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इराक का दावा है कि कतायब हिजबुल्ला या हश्द अल शाबी से जुड़े 16 लड़ाके अमेरिका की बमबारी में मारे गए हैं। लोगों के हाथों में इनकी तस्वीरें हैं और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि अमेरिका की फौज पूरी तरह इराक से बाहर चली जाए। لإنهاء لإخراج الأمريكان ويجب عدم بقائهم شر مطلق للشعب العراقي ويعني مزيدا من الدماء العراقية ومزيدا من التضحيات بالشباب العراقي اليوم حان الوقت لخروجهم وعلى البرلمان أن يقول قوله الذي हश्द अल शाबी और कतायब हिजबुल्ला इराक के वो मिलिशिया गुट हैं जिन्होंने आईएसआईएस को मारकर खदेड़ने में बड़ी भूमिका अदा की थी। यही वजह है कि तब ईरान ने भी इनकी पूरी मदद की थी। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ये मिलिशिया कमजोर हो, क्योंकि इन्हीं की ताकत के जरिए उसका असर भी इराक और सीरिया पर बरकरार रहता है। حرکتی رو علیه جبهه مقاومت محکوم میدونیم و مطرود میدونیم و محکوم میکنیم। ईरान और अमेरिका के बीच अचानक से युद्ध वाला माहौल बन चुका है। गाजा में हमास और इसराइल के युद्ध के बाद अब पहले फोकस यमन पर केंद्रित हुआ और अब इराक पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान को टारगेट करने की मांग की जा रही है, क्योंकि इराक और सीरिया में जो मिलिशिया इस वक्त अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं उनको ईरान से ही पूरी मदद मिलती है। ये बात तो खुद ईरान भी पूरी तरह खारिज नहीं करता। इराक और सीरिया पर B-1 बॉम्बर से तबाही मचाकर अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा मैसेज दिया। अमेरिका अब ईरान को बताना चाहता है कि वो इसी तरह तेहरान पर, शिराज पर, सिस्तान, किरमान पर और इस्फहान पर बमबारी कर सकता है और उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। ऐसा अमेरिका इराक में सद्दाम के खिलाफ कर चुका है, लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ कर चुका है। जमहूरी इस्लामी ईरान जवाब जवाब मुहकमी खواهد داد। अमेरिका चाहता तो ये बमबारी F-16 और F-15 जैसे विमानों से की जा सकती थी, लेकिन अमेरिका ने B-1 सुपर बॉम्बर का इस्तेमाल किया। यानी अमेरिका ने बता दिया कि वो चाहे तो अपने काउंटर स्ट्राइक का दर्जा 10 गुना बढ़ा सकता है और ऐसा वो B-1 जैसे बॉम्बर के जरिए बहुत आराम से कर सकता है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 किलो पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है, रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है, जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है।
अमेरिका की बॉम्बर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ तनाव का लेवल अब बाइडन की नाक से ऊपर जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को सबसे बड़े मिशन के लिए तैनात करने पर मजबूर हो जाएगा। B-1 से बमबारी करके अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो ऐसा करने से हिचकेगा नहीं। सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई नया युद्ध करने के लिए तैयार है? क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती यूक्रेन को लेकर की है उसे ईरान के साथ नहीं दोहराएगा, यानी वो खुल्लम खुल्ला जंग करेगा? अमेरिका के कौन कौन से बॉम्बर किसी भी वक्त किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है ये भी देख लीजिए। B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका के पास ईरान को डराने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया, और यही वजह है कि 60 साल बाद आज भी ये उड़ान भर रहा है। B-2 को देखिए, अमेरिका का स्टेल यानी रडार की पकड़ में ना आने वाला बॉम्बर। और B-1 को तो आपने देख ही लिया है। अमेरिका के सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ ही घंटों के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच चुका है कि डर है कि एक नया खाड़ी युद्ध बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। इसलिए सवाल है, क्या इराक और अमेरिका के बाद अब ईरान और अमेरिका की जंग होगी? और हुई तो इसका दायरा कहां तक फैलेगा? अमेरिका और ईरान का युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल और डर भी है। इन्हीं सब बातों से इस वक्त खाड़ी देशों में तनाव बहुत ज्यादा है। यमन से हूथी विद्रोहियों के नए वीडियो से तनाव के लेवल को समझा जा सकता है। हूथी मिलिशिया ने अपनी ट्रेनिंग दिखाई है। ये वीडियो उसने अमेरिका और इसराइल के लिए बनाया है। हूथी ने रॉकेट फायर करके दिखाए हैं। हूथी ने अपने ड्रोन उड़ाकर दिखाए हैं। हूथी विद्रोहियों ने दिखाया है कि उनके बम कितने सटीक तरीके से निशाने पर गिरते हैं। जगह जगह टारगेट पर इसराइल का झंडा बताता है कि हूथी मिलिशिया के टारगेट पर इसराइल सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। हूथी विद्रोहियों के टैंक T-72 भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। उसकी स्पेशल फोर्स भी किसी मिलिट्री पोस्ट पर हमला करके दिखा रही है, जो डमी टारगेट है। वहां अमेरिका और इसराइल के झंडे लगे हैं। وأن القيادة السياسية والعسكرية عندما نفذت أوامر السيد قائد الثورة यमन इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के टारगेट पर है। लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के कार्गो जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, और यही वजह है कि ब्रिटेन की वायुसेना अपने खतरनाक फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून को बम से लैस कर रही है। इस जहाज को हूथी विद्रोहियों का टारगेट खत्म करने के लिए तैयार किया जा चुका है। ये लेजर गाइडेड बम है। ऐसे ही बम इसराइल ने गाजा पर इस्तेमाल किए हैं, और अब इनसे ही ब्रिटेन यमन पर हमला करने के लिए बेकरार है।